हाय फ्रेंड्स, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है DMA, यानी डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कंट्रोलर। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि DMA कहाँ यूज़ होता है। तो अगर मैं कहूँ कि अगर आप इसका नाम ध्यान से पढ़ेंगे, आपको पता चल जाएगा कि इसका काम है डायरेक्ट मेमोरी को एक्सेस करना। पर ऑब्वियसली ये डायरेक्ट मेमोरी के साथ काम करता है, तो ऐसे तो होगा नहीं, इसमें CPU की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे भी CPU की ज़रूरत पड़ती है, जैसे हम दूसरे कामों में यूज़ करते हैं। पर यहाँ पे जो यूज़ होता है हमारे CPU का, सिर्फ एक परमिशन ग्रांट करने और परमिशन एक्सेप्ट करने जितना ही होता है, और बाकी का जो काम है वो DMA अकेले खुद अपने आप कर लेता है। तो अब हम देखते हैं कि एक्चुअली ये DMA काम करता कैसे है। तो हमारा जो डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कंट्रोलर है, ये एक्चुअली हमारे साथ डायरेक्ट इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस में जो डेटा होता है उसको डायरेक्ट मेमोरी में प्लेस करता है बिना CPU को डिस्टर्ब किए। अब इसका ये जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि अगर हमारा CPU कोई एक एड्रेस से डेटा ला रहा है, तो उसको एक पूरी परमिशन की साइकिल कंप्लीट करनी पड़ती है। जैसे वो पहले परमिशन ग्रांट करता है कि डेटा वो एक्सेप्ट करेगा, फिर जब डेटा आ जाता है वो डेटा रीड करता है, फिर उसको वो वापस अपने मेमोरी में स्टोर करता है, और फिर वापस वो एक नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट करता है। अब आप अज्यूम कीजिए कि मेरे पास कोई मेमोरी है जो MBs में है, यानी सपोज 1 MB या 2 MB की मेमोरी है। अगर मैं कहूँ कि उस पर्टिकुलर मेमोरी का पूरा एक पूरा सेक्शन ऑफ डेटा मुझे कॉपी करना है एक जगह से दूसरी जगह, यानी सपोज इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से इतना सारा डेटा आ रहा है और मुझे मेमोरी में प्लेस करना है, अगर CPU को मैं इस काम में लगा दूँ तो वो कोई दूसरा काम या फिर दूसरे प्रोग्राम को रन नहीं कर पाएगा। तो यहीं पे DMA का रोल आता है। DMA क्या करता है कि यहाँ पे हमारे जो इंटरफेस, यानी जो हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं और जो हमारी मेमोरी होती है, उनके बीच में डायरेक्ट कनेक्शन प्रोवाइड कर देता है बिना CPU को डिस्टर्ब किए। तो यहाँ पे जब हमारा प्रोसेस स्टार्ट होता है, तो सबसे पहले क्या होगा कि हमारा जो DMA है वो हमारे प्रोसेसर से, यानी हमारे CPU से एक बार परमिशन मांगेगा, क्या वो ट्रांसफर स्टार्ट कर सकता है। जैसे ही उसको ये परमिशन मिल जाएगी, वो एक बार बस परमिशन लेके फिर जितना भी डेटा है एक 1 by 1 ट्रांसफर स्टार्ट कर देगा बिना CPU को डिस्टर्ब किए। और बाद में जब वो ट्रांसफर कंप्लीट हो जाएगा, तब वो वापस अपने CPU से परमिशन ले लेगा कि एक बार ट्रांसफर कंप्लीट हो चुका है और वो अपनी लिंक डिसेबल करना चाहता है। तो ये होता है हमारा बेसिक वर्किंग ऑफ DMA। तो यहाँ पे जो हमारी परमिशन और ये सब की जो साइकिल होती है DMA की, ये हमारे डेटा को डायरेक्टली मेमोरी के अंदर प्लेस करने में हेल्प करती है। तो यहाँ पे मैं एक ब्लॉक डायग्राम ले रही हूँ बेसिक सा DMA का। तो सबसे पहले जो हमारा छोटा सा सेक्शन है वो है CPU बस सिग्नल्स फॉर DMA, यानी जैसे कि मैंने कहा, जो हमारा DMA है वो हमारे प्रोसेसर से कभी भी एक बार तो परमिशन लेगा, तो उसके लिए भी उसको कुछ परमिशन के लिए एड्रेस लाइंस लगेगी, या फिर मैं कहूँ हमारी वायरिंग लगेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा CPU बस सिग्नल्स फॉर DMA का जो ब्लॉक है उसमें कुछ सर्टेन पिंस है। तो वहाँ पे जो अगर आप लेफ्ट साइड में देखेंगे, वहाँ पे बस रिक्वेस्ट और बस ग्रांट की पिन है। यानी सपोज कोई इनपुट आउटपुट डिवाइस से हमें डेटा ट्रांसफर करना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, रिक्वेस्ट आएगी सिस्टम में कि हमारे CPU में ये डेटा को हमें ट्रांसफ़र करना है। तो CPU में एक रिक्वेस्ट आएगी DMA के थ्रू, जो बस रिक्वेस्ट होगी वो हमारे CPU को एंटर करेगी, जो DMA देगा कि मुझे कोई डेटा है जिसको ट्रांसफ़र करना है। अगर हमारा CPU उसको एक्नॉलेज कर देगा, यानी एक्सेप्ट करेगा, तो बस ग्रांट सिग्नल हमारे DMA को मिलता है, जिससे क्या होता है कि हमारा CPU अब इस पूरे प्रोसेस से बाहर आ जाता है और जितना भी ट्रांसफ़र है वो DMA खुद कंप्लीट करता है। यहाँ पे अगेन आप राइट साइड में देखेंगे तो हमारे CPU में जो जनरल बसेस है वो लिखी है। ए बस यानी एड्रेस बस, यानी कोई भी स्पेसिफिक लोकेशन का जब आपको एड्रेस निकालना होता है तो ऑब्वियसली आप एड्रेस बस का ही यूज़ करते हैं। और दूसरी है डी बस, यानी डेटा बस, यानी अगर आप डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं CPU की हेल्प से, तो आपको डेटा बस भी लगेगी, क्योंकि हमारी डेटा बस डाई डिरेक्शनल होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एरो भी बाई डिरेक्शनल बनाया है। उसके साथ जो जनरल पिंस हैं रीड और राइट की, उससे क्या होता है कि आप CPU में डेटा रीड और राइट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने CPU की जनरल पिंस में से सिर्फ फ्यू पिन से ली है। इसका रीज़न ये है कि अभी हमारा फोकस DMA से रिलेटेड पिन से है, यानी हर कोई पिन DMA के काम नहीं आती। यहाँ पे सिर्फ इतनी ही पिन से जो DMA के वर्किंग में थोड़ा बहुत सपोर्ट करती है।
यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो नीचे ब्लॉक डायग्राम ऑफ डीएमए दिया है, यानी कोई भी एक जो हमारा डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कंट्रोलर होता है उसके अंदर जो बेसिक कंपोनेंट्स है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो सबसे पहला जो कंपोनेंट है, जैसे मैंने कहा कि डीएमए डेटा ट्रांसफर करता है, तो ऑब्वियसली अगर डेटा ट्रांसफर हो रहा है तो हमें डेटा बस चाहिए। तो वहाँ पे देखिए डेटा बस बफर्स है, यानी जो भी हमारा डेटा हम कनेक्ट करते हैं सबसे पहले बफर में आता है, फिर उस पर्टिकुलर एड्रेस या फिर पर्टिकुलर रजिस्टर की हेल्प से वो आगे मेमोरी में ट्रांसफर होगा। फिर अगर आप उसका कंट्रोल लॉजिक देखेंगे तो डीएमए सिलेक्ट की जो पिन है सबसे पहले वो आ रही है। तो ये डीएमए सिलेक्ट की पिन क्या करती है, हमारे पास डीएमए यूजली सिस्टम में कनेक्टेड होता है पर हर प्रोग्राम या फिर हर फंक्शन में डीएमए काम नहीं करता, ऑब्वियसली कुछ सर्टेन अप्रोचेस के लिए हमें डीएमए चाहिए। तो जब हमें उस डीएमए की ज़रूरत पड़ती है कि हमारा कंट्रोलर यूज आने वाला है तभी इस सिग्नल को देख के हम अपने डीएमए को एक्टिवेट करते हैं। फिर उसके बाद है आरएस की सिग्नल, यानी रीड सिग्नल, यानी हमारा जो सिस्टम है उस पर्टिकुलर सिस्टम में हमारे सिग्नल को रीड करेगा। मैं अपने डेटा रीड की बात नहीं कर रही हूँ, उसके लिए हमारे पास नीचे की रीड और राइट के पिन्स हैं, पर ये रीड सिग्नल है, यानी हमारा जो सिग्नल आ रहा है सीपीयू से ये उसको रीड करेगा। फिर हमारे पास रीड और राइट की पिन्स है, यानी जब आप डेटा ट्रांसफर करते हैं तो इनपुट और आउटपुट से आप मेमोरी में भी डेटा रख सकते हैं, सिमिलरली आप मेमोरी का डेटा भी इनपुट आउटपुट में पास कर सकते हैं। तो ये दोनों ही काम में हमारा डीएमए यूज होता है। तो यहाँ पे हमारी रीड और राइट के पिन्स बाई डायरेक्शनल है ताकि आप दोनों काम कर सके। फिर यहाँ पे नीचे बस रिक्वेस्ट और बस ग्रांट की जो पिन्स है, अब देखिए आप अगर आप सीपीयू के ब्लॉक में देख रहे थे तो बस रिक्वेस्ट का जो एरो है वो अंदर आ रहा था, वाइल डीएमए के ब्लॉक में बस रिक्वेस्ट का एरो बाहर जा रहा है। बिकॉज ये जो रिक्वेस्ट का एरो है वो एक्चुअली सीपीयू में एंटर होगा, यानी जब भी हमारा डीएमए एक्टिवेट होगा या फिर उसको अपना डेटा ट्रांसफर करने में पार्ट लेना है तो वो हमारे सीपीयू को रिक्वेस्ट करेगा कि क्या मैं ये पर्टिकुलर ट्रांसफर इनिशिएट करूँ। उसी तरह से बस ग्रांट की पिन भी उल्टी है, यानी हमारे सीपीयू में बस ग्रांट की पिन बाहर जा रही है एरो, और हमारे डीएमए में बस ग्रांट की पिन इंटरनली आ रही है, यानी अगर हमारा सीपीयू इसको सपोर्ट करता है तो हमारी बस ग्रांट की पिन एक्टिवेट हो जाएगी और फिर हमारा सिस्टम इंटरप्ट जनरेट करेगा, यानी एक पर्टिकुलर साइकिल के लिए हमारा डीएमए सीपीयू से कनेक्शन में जाएगा और एक बार जब उसका पर्टिकुलर ट्रांसफर स्टार्ट हो जाएगा सेक्शन का फिर वो अपना ट्रांसफर खुद कंप्लीट कर लेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अब हमारे लेफ्ट साइड में हमारे पास जो हमारी डीएमए होती है उसमें कुछ जनरल रजिस्टर्स होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले एड्रेस बफर्स हैं, यानी आप जब कोई डेटा ट्रांसफ़र करते हैं मेमोरी में तो ऑब्वियसली आपको एड्रेस होने चाहिए पता, तो उसके लिए हमारे पास एड्रेस बस बफर्स हैं। फिर हमारे पास तीन मेजर रजिस्टर्स हैं, एक है एड्रेस रजिस्टर, फिर है वर्ड काउंट रजिस्टर और फिर है कंट्रोल रजिस्टर। तो इन तीनों का यूज़ हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। फिर हमारे पास डीएमए रिक्वेस्ट और डीएमए एक्नॉलेज की पिन है। अब ये पिन्स कैसे होती है, जैसे हमारे पास बस ग्रांट और बस रिक्वेस्ट होता है ये दोनों पिन्स हमारे सीपीयू और डीएमए के बीच में होती है, उसी तरह हमारे पास जो डीएमए रिक्वेस्ट और डीएमए एक्नॉलेज होता है वो हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से कनेक्ट होता है। यानी अगर सपोज इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को डीएमए की हेल्प लेनी है तो वो डीएमए को रिक्वेस्ट करेंगे तो वो सिग्नल भेजेंगे हाई कि ओके हमें यहाँ पे ट्रांसफ़र स्टार्ट करना है। उसी तरह से जब हमारे डीएमए एक्सेप्ट कर लेगा, ये पिंस क्यों नेसेसरी है, क्योंकि अगर सपोज इनपुट आउटपुट डिवाइस रिक्वेस्ट कर रहे हैं पर उसी टाइम पे डीएमए किसी और ट्रांसफ़र को कंप्लीट कर रहा है तो दो ट्रांसफ़र एक साथ तो नहीं हो सकते, तो इसीलिए ये पिंस इस सिस्टम में डबल ट्रांसफ़र को या फिर इंटरप्ट करने में हेल्प करती है ताकि एट ए टाइम एक ही ट्रांसफ़र हो सके। अब यहाँ पे कुछ जो प्रोसेस होती है, तो यहाँ पे हमारे जो बस ग्रांट की पिंस है हम उसको देखेंगे कि हमारी पिंस कैसे काम करती हैं। तो यहाँ पे जो हमारा सिग्नल है बस ग्रांट का वहाँ पे अगर जीरो है तो हमारे जो डीएमए रजिस्टर है वो आराम से हमारे डेटा बस को रीड और राइट कर सकते हैं।
तो यहाँ पे हमारी जो पिंस होती है, जरूरी नहीं है कि ऑलवेज वन पे ही एक्टिवेट हो, कभी कभी हमारी पिंस वन और जीरो दोनों पे अलग अलग फंक्शन दिखाती है। तो यहाँ पे जब हमारा बस ग्रांट जीरो होता है तो हमारे सीपीयू डीएमए से कम्युनिकेट करता है डेटा बस के थ्रू, और रीड और राइट डीएमए के रजिस्टर्स में आसानी से कर सकता है। यानी डीएमए में जो रजिस्टर्स है तीन, एड्रेस रजिस्टर, कंट्रोल काउंट रजिस्टर, तो उन सब में अगर कोई मॉडिफिकेशन करना है तो इस पर्टिकुलर टाइम पे वो पॉसिबल होता है। यहाँ पे सपोज अब अगर मैं कहूँ कि बीजी यानी हमारी बस ग्रांट के पिन वन है, तो यहाँ पे हमारा जो डीएमए है उस पर्टिकुलर टाइम पे हमारे डीएमए में जो चेंजेस होंगे रजिस्टर्स में वो सीपीयू नहीं कर पाएगा। इनफैक्ट उस टाइम पे हमारा डीएमए डायरेक्ट मेमोरी से कनेक्टेड होगा और डेटा ट्रांसफर करेगा विद द हेल्प ऑफ एड्रेस और रीड और राइट के पिन की हेल्प से। तो यहाँ पे ये जो पिन है बीजी, इसके दो इस्तेमाल हो रहे हैं। तो सबसे पहले अगर बीजी की पिन यानी बस ग्रांट की पिन जीरो है तो उस पर्टिकुलर टाइम पे सीपीयू डीएमए में चेंजेस कर सकता है, वाइल अगर बस ग्रांट की पिन वन है तो हमारा डीएमए मेमोरी से डेटा ट्रांसफर करेगा। यहाँ पे अगेन जो मैंने कहा था कि अगर डीएमए कम्युनिकेट कर रहा है तो हमारे आईओ डिवाइसेस से, तो वहां पे दो पिंस थी, बस डीएमए रिक्वेस्ट और डीएमए एक्नॉलेजमेंट की, तो उस पिंस के थ्रू वो हैंड शेकिंग प्रोसीजर यूज करेगा। अगेन हैंड शेकिंग के लेक्चर मैंने कंप्लीट किए हैं तो आप देख सकते हैं कि हैंड शेकिंग कैसे यूज की जाती है। तो यहाँ पे हैंड शेकिंग के प्रोसेस के हिसाब से, प्रोटोकॉल के हिसाब से वो इनपुट आउटपुट डिवाइस से कनेक्शन में आएगा। अब जैसे कि मैंने कहा था हमारे पास तीन रजिस्टर हैं, तो इन तीन रजिस्टर्स का क्या क्या यूज होता है। तो सबसे पहले हमारे पास है एड्रेस रजिस्टर, तो यहाँ पे ये डिजायर्ड लोकेशन बताता है। यानी सपोज आप मेमोरी में डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको एड्रेस तो पता होना चाहिए कि मेमोरी में कहाँ जाएगा वो डेटा। तो वो जो एड्रेस है वो कहाँ पे स्पेसिफाई होगा, हमारे एड्रेस रजिस्टर में। अगेन ये जो इन्फॉर्मेशन है ये सीपीयू फीड करेगा। जब हम बस ग्रांट और बस रिक्वेस्ट का यूज करते हैं तो उसकी हेल्प से जब वो परमिशन देता है तब वो एड्रेस भी फीड करता है कि ओके ये जो मेरा डेटा ट्रांसफर हो रहा है मेमोरी की इस पर्टिकुलर लोकेशन पे होना चाहिए। तो हमारा जो नेक्स्ट रजिस्टर है वो है वर्ड काउंट रजिस्टर, तो ये नंबर ऑफ काउंट्स होल्ड करता है। यानी ऐसे तो होगा नहीं कि हम पूरी की पूरी मेमोरी में डेटा भर देंगे। यहाँ पे एक पर्टिकुलर सपोज मैं कह रही हूँ कि मेरी मेमोरी 64 KB की है, तो ऐसे तो नहीं होगा ना कि डीएमए से पूरा का पूरा 64 KB की मेमोरी को फिक्स कर देंगे, हम डेटा से भर देंगे। हमारा एक पर्टिकुलर नंबर फिक्स होता है कि ओके मेरे पास 10 bytes ऑफ डेटा है, 15 bytes ऑफ डेटा है जो ट्रांसफर करना है। तो ये जो नंबर होता है ये हमारे वर्ड काउंट में होता है। तो ये ट्रांसफर स्टार्ट कैसे होगा, सबसे पहले हमारा जो सीपीयू है वो हमारे जो डीएमए के रजिस्टर से उसमें क्या फीड करेगा, डेटा का एड्रेस रजिस्टर फीड करेगा कि ओके मेमोरी में यहाँ पे डेटा फीड करना है। फिर वो नंबर ऑफ वर्ड्स देगा, यानी इस पर्टिकुलर ट्रांसफर में मुझे कितने एक्चुअली डेटा बाइट्स ट्रांसफर करने हैं, 15, 20 व्हाटएवर। फिर जैसे ही वो काउंट कंप्लीट होगा तो हमारा डीएमए अपने आप उस ट्रांसफर को डिसेबल कर देगा या रोक देगा। फिर जो हमारे पास ये पिंस है जो वर्ड काउंट की है, जैसे मैंने कहा कि अगर मैं कहूँ कि हमारा डेटा ट्रांसफर हो रहा है तो ये वर्ड काउंट का रजिस्टर क्या होगा, 1 by 1 डिक्रीमेंट होगा। यानी सपोज मेरे पास 15 bytes थी, उसमें से एक बाइट मैंने ट्रांसफर कर दी है मेमोरी में, तो उसके बाद वो नंबर 14 हो जाएगा। फिर वापस जब 14th byte ट्रांसफर हो जाएगी फिर 13 हो जाएगा। ऐसे 1 by 1 जब हमारा पूरा डेटा ट्रांसफर हो जाएगा तो वो रजिस्टर ज़ीरो हो जाएगा, और यहाँ पे जब ज़ीरो हो जाएगा तो हमारा ट्रांसफर रुक जाएगा। फिर हमारे पास मोड ऑफ ट्रांसफर होता है। अब मोड ऑफ ट्रांसफर में वेरियस कैटेगरीज होती है, अगेन कि आप कितने बाइट का डेटा भेज रहे हैं या कितनी स्पीड से भेज रहे हैं, तो वो अभी हम इस लेक्चर में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। पर हमारे पास मोड्स होते हैं जिससे हम डिसाइड कर सकते हैं कि जब हमारा डेटा ट्रांसफर हो रहा है उसमें कितने बाइट्स ऑफ डेटा जाएंगे या फिर कितनी स्पीड से जाएंगे। तो जो हमारे डीएमए के जो रजिस्टर्स है, यानी अगर मैं कहूँ कि हमारे जो एड्रेस रजिस्टर है या कंट्रोल रजिस्टर है वो हमारे सीपीयू को किस तरह से इंटरफेस करेंगे, तो उनके लिए वो डीएमए के रजिस्टर्स भी एक इनपुट आउटपुट मॉड्यूल की तरह ही होते हैं। तो ये था हमारा डीएमए का टॉपिक जो मैंने ब्रीफ में आपको काफ़ी एक्सप्लेन किया है कि इसके रजिस्टर्स कैसे होते हैं, इसका वर्किंग कैसे होता है। इस टॉपिक के बाद हम देखेंगे कि हमारे इनपुट आउटपुट प्रोसेसर का वर्किंग कैसे होता है इन कनेक्शन विद सीपीयू। थैंक यू। अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें।